हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न और 13.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? एक न्याय पासे को उछाला गया है। अच्छा, जब एक पासे को आप उछालेंगे तो आपके पास सिंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही ना आपके पास परिणाम आएंगे जी। चलिए, अच्छा यहाँ पर घटना ई दी हुई है, एफ और जी, तीन घटनाएं दी हुई हैं। घटनाएं यहाँ पे देखिए क्या दिया, ई दिया है जिसके एलिमेंट 1, 3, 5 है, एफ जो घटना दी है इसमें एलिमेंट 2 और 3 है, और यहाँ जी जो घटना दी है इसमें एलिमेंट आया 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पहले इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। अगर हम लोग कहें कि ई की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, हम लोग एक एक करके सबको निकाल लेते हैं, है ना, जो जो जरूरत होगा उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो पहले से भी आप निकाल के रख सकते हो, जरूरत होगा उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ई की प्रायिकता अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3/6, 1/2 आ जाएगा। घटना एफ की प्रायिकता यहाँ बात करेंगे तो 2/6 कट के 1/3 आ जाएगा, और घटना जी की प्रायिकता की बात करेंगे तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 4/6, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए क्या है, आपका सिर्फ 3 है। ई इंटरसेक्शन एफ में 3 ही ना मिल रहा है, तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो इसमें कितने अवयव है? सिर्फ एक अवयव है, और टोटल बाई में किसका, तो टोटल इसमें तो 1/6 आ जाएगा। चलिए, तो अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में हमें निकालना है पी ई बाई एफ के लिए, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F का और बटा में प्रायिकता F का, तो ये 1/6 और बटा में 1/3, ये ऊपर चला जाएगा, 3/6 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से 1/2 इसकी प्रायिकता जाएगी। फिर पी एफ बाई ई भी निकालना है, इसी में कह रहा है पी एफ बाई ई, एफ की प्रायिकता जब E घटित हो गया है, तो पी ई इंटरसेक्शन F बाई में किसका, E की प्रायिकता, तो इसका प्रायिकता 1/2, और यहाँ पी ई की, E की प्रायिकता है यहाँ 1/2, ये 1/6 और 1/2, ये पलट जाएगा 2/6, कट के यहाँ 1/3 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसके सेकेंड नंबर पे चलते हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर E बाई जी की, और चलिए तो प्रायिकता निकालनी है E बाई जी और फिर G बाई E की भी निकालनी है। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता पहले निकालनी होगी किसका, हमें प्रायिकता निकालना होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का, तो पहले इंटरसेक्शन का ही निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो उसके अनुसार, ठीक है, तो पहले निकाल ही लोगे तो बेस्ट रहेगा, इसको निकाल ही लेते हैं, हमें ज़रूरत है ना जी। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन जी की बात करेंगे, तो ई इंटरसेक्शन जी में देखिए क्या हो रहा है, ई और जी का, ई और जी में क्या क्या अवयव मिल रहे हैं, 3 और 5 न मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है, तो 3 और 5 मिल रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है E इंटरसेक्शन G में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो अगर हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा E इंटरसेक्शन G का, तो 2/6 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा E, है ना। तो अब चलिए हम लोग E बाई G और G बाई E निकालते हैं, तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है E बाई G की, तो पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और बटा में यहाँ जी की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता 1/3 है, और यहाँ जी की प्रायिकता जो है आपका 2/3 था, कट जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। फिर हमें जी बाई ई निकालनी है, प्रायिकता निकालनी होगी किसकी, जी बाई ई की, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटा में यहाँ पर प्रायिकता किसकी, ई की, तो इसकी प्रायिकता है 1/3, और E की प्रायिकता कितनी थी, तो E की प्रायिकता आपके पास थी 1/2 ना, 1/2, ये पलट जाएगा यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आ गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद क्या निकलना है, P E यूनियन F बाई G का, हमें P E यूनियन F बाई G की प्रायिकता निकालनी है, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं P E यूनियन F इंटरसेक्शन G और बाई में G की प्रायिकता, तो पहले इसकी हमें प्रायिकता निकालनी होगी ना जी, तो पहले हम लोग चलिए इसको निकालते हैं,
तो अगर हम लोग ई यूनियन एफ की बात करेंगे अपने उस क्वेश्चन के अनुसार, ई यूनियन एफ देखिए क्या आ जाएगा, एक दो तीन और पाँच, एक दो तीन और पाँच इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, एक दो तीन और पाँच आ जाएगा। अच्छा अब अगर हम लोग जी की बात करें तो जी में एलिमेंट कौन कौन से थे, तो आपका ऊपर जो जी दिया हुआ है उसमें एलिमेंट, उसमें एलिमेंट आपका है दो तीन चार और पाँच, देख लीजिए दो तीन चार पाँच। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई यूनियन एफ और फिर इंटरसेक्शन जी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा, दो आएगा, तीन आएगा और पाँच आएगा, ये ना हो जाएगा दो तीन और पाँच हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसमें तीन अवयव है और बट्टा में टोटल छः, यानी एक बट्टा दो हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हमें इस फॉर्मूले में रखना होगा पी ई यूनियन एफ बाई जी बराबर में, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू एक बट्टा दो, और यहाँ जी की प्रायिकता कितनी है, तो जी की प्रायिकता ऊपर देख लेते हैं, जी की प्रायिकता दो बट्टा में तीन है, ठीक है। तो जी की प्रायिकता यहाँ दो बट्टा में तीन पलट जाएगा, तीन बट्टा में यहाँ से चार आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, हमें फिर यहाँ पर निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, जैसे में पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर लेते हैं पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग ऊपर देखे हुए थे कि जो आपका ई इंटरसेक्शन एफ जो था वह उसमें सिर्फ आपका तीन था, देख लो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में जो होगा आपका सिर्फ तीन ही ना कॉमन मिल रहा है, चलिए। और फिर अगर हम लोग यहाँ जी की बात करेंगे तो जी में आपका वही एलिमेंट है दो तीन चार पाँच, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसमें थ्री ही सिर्फ आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक और बटा में टोटल छः। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी की, तो ये हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बाई में आपका इंटर किसका जी की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका एक बट्टा छः और इसका है आपका प्रायिकता आपका कितना, दो बट्टा में तीन, ये ऊपर चला जाएगा तीन और बट्टा में बारह, तीन चौका बारह, एक बट्टा चार यहाँ से प्रायिकता निकल के आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर